प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल RB गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप पेड़ पौधे लगाने के शौकीन हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो दोस्तों उनके बारे में यदि आप जानने की जिज्ञासा रखते हैं और प्रकृति के साथ रहने में अपने को सुख अनुभव करते हैं, तो दोस्तों यह आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए ही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे यह कहना है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हाँ, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत एवरग्रीन ऑर्नामेंटल आउटडोर शो प्लांट के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा, आप लोगों से जानकारी शेयर करूंगा। उस पौधे का नाम दोस्तों साइकस पाम है। इसको दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, सागो पाम और कंगी पाम। यह एक बहुत ही हार्डी वैरायटी का पौधा है। इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं जिसके कारण से लोग इसे पसंद करते हैं, इसे अपनी छत, अपनी लान, अपने गार्डन में स्थान देते हैं। तो दोस्तों इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी पहली विशेषता है इसके नर और मादा प्लांट का अलग अलग होना। इसकी दूसरी विशेषता यह है दोस्तों कि यह गमले और मिट्टी दोनों में आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी तीसरी विशेषता यह है दोस्तों कि यह गर्मी और बरसात के सीज़न में ही सर्वाइव करता है, जाड़े में इसकी ग्रोथ रुकी रहती है। इसकी चौथी विशेषता यह है दोस्तों कि यह पौधा स्प्रिंग सीजन और रेनी सीजन में ही पत्तियां निकालता है। और इसकी चौथी विशेषता यह है, इसका फीमेल प्लांट बेबी पप्स निकालता है अपनी जड़ के पास, जिसे निकालकर हम दूसरे गमले में लगा सकते हैं। आगे इसकी पत्तियां बहुत नुकीली और शार्प होती हैं, गहरे हरे रंग की होती हैं। इसकी बीज का पोर्शन जो है वह पीले और कुछ हरा रंग लिए हुए होता है, जो इसकी खूबसूरती बढ़ाता है। तो ये तो हो गई दोस्तों इसकी विशेषताएं, जिसकी वजह से लोग इसे अपने छत, अपने लान और अपने गार्डन में जगह देते हैं। अब दोस्तों ये पौधा क्या पसंद करता है, इसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यह पौधा हाफ सनलाइट यानी आधे दिन की धूप पसंद करता है। आधे दिन की धूप में यह बहुत ही अच्छे ढंग से सर्वाइव करता है, इसलिए इसको ऐसे स्थान पर रखना चाहिए ताकि इसे आधे दिन की धूप आसानी से मिल सके। दूसरा, इसको बहुत कम पानी चाहिए होता है, ये अधिक पानी पसंद नहीं करता है। हफ्ते में अगर आप दो दिन भी पानी देंगे, तीन दिन भी पानी देंगे, तो यह अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करता रहेगा। तीसरी चीज़ इसको पसंद है, बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी में यह बहुत अच्छा सर्वाइव करता है और अपने आप को मेंटेन रखता है। तीसरी चीज़, इसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये तीन सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिसे यह अत्यधिक पसंद करता है दोस्तों, क्योंकि यह अपनी शाइनिंग, अपने डीप कलर और ग्रोथ के लिए यह तीनों सूक्ष्म तत्व पदार्थ इसको आवश्यक हैं, ये चाहता है। तो ये तो हो गई दोस्तों इसके पसंद की बात। अब ये कुछ चीज़ें नापसंद भी करता है, तो अगर आप
नापसंद की बात करें तो इसे अत्यधिक पानी नापसंद है, यह अधिक पानी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए ओवर वाटरिंग से आपको बचना पड़ेगा। दूसरी चीज, यह 40 डिग्री सी तापमान से ऊपर तापमान को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, इसलिए इसको जो है यदि आप गमले में लगाए हुए हैं तो इसे ग्रीन शेड में रखना पड़ेगा। और यदि यह मिट्टी में लगा हुआ है तो मिट्टी में इतने पोषक तत्व होते हैं कि वह उनसे रिकवरी कर लेता है, उस गर्मी को भी यह बर्दाश्त कर लेता है। तो ये तो हो गई दोस्तों इसकी पसंद और नापसंद की बात। इस हार्डी वैरायटी के पौधे के प्रोपोगेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका फीमेल प्लांट अपनी जड़ के पास बेबी पप्स निकालता है, जिसे हम सावधानी पूर्वक निकाल कर दूसरे गमले में रिपोर्ट कर देते हैं और वह पौधे का रूप ले लेता है। यह बीज से भी प्रोपोगेट किया जा सकता है, लेकिन बीज का प्रोसेस बहुत लंबा है, वह अपने घर पे कर पाना संभव नहीं है, बहुत समय लगता है। जब पौधा बहुत बड़ा हो जाता है तब उसमें फूल और फल आना प्रारंभ होता है। अब दोस्तों, इसके केयर टिप्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी अर्जित कर लेते हैं। इसको बहुत केयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ओवर वाटरिंग से बचना चाहिए, क्योंकि यह पौधा ओवर वाटरिंग पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों, दूसरी केयर टिप्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस पौधे को ड्रेनेज सिस्टम सही रखना पड़ेगा। अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं रहेगा तो गमले के अंदर पानी कलेक्ट हो जाएगा और ये पौधा जो है मर जाएगा। तो गमले का ड्रेनेज सिस्टम भी सही रखना पड़ेगा। सुबह शाम दोस्तों, इस पे पानी का स्प्रे कर दिया जाए तो इसकी शाइनिंग चमक बरकरार रहती है। दूसरे, इसको एक महीने में एक बार कम से कम बर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट या एक बनी बनाई खाद पाम फूड के नाम से नर्सरी पर उपलब्ध होती है, उसे देना आवश्यक होता है। गमले की मिट्टी जब सूख जाए और तब उसकी निराई गुड़ाई करके उसमें खाद देकर पानी दे दिया जाता है। यह इसकी केयर टिप्स की बात हो गई दोस्तों। अब अंत में इसकी कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी हैं, जिसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके तने से स्टार्च निकलता है और उस स्टार्च से साबुदाना का निर्माण किया जाता है। इसकी पत्तियों से झाड़ू और रस्सी बनाई जाती है। तो दोस्तों, इस पौधे के लिए आज बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगली वीडियो पार्ट टू के रूप में मैं आपको पोनीटेल पाम, एलिफेंट फूट पाम पौधे के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।